स्पेन ने यूरो 2024 टूर्नामेंट जीत लिया है, बीटिंग इंग्लैंड बाई 2-1 इन द फाइनल। स्पेन ने इस टूर्नामेंट में वन साइडेड परफॉर्म किया। स्पेन ने ग्रुप ऑफ डेथ में तीनों मैच जीत कर ग्रुप टॉप किया। राउंड ऑफ 16 में जॉर्जिया को 4-1, क्वार्टर फाइनल्स में जर्मनी को 2-1, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 और फाइनल में भी इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। स्पेन की ये जर्नी काफी डिफिकल्ट थी, फेसिंग ऑल माइटी अपोनेंट्स इन द यूरोज। अगर स्पेन को बाकी अदर टीमों से कंपेयर किया जाए तो अदर टीम्स लाइक जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड का प्ले वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था। वाइल स्पेन टीम 4-3-3 फॉर्मेशन के थ्रेड फॉरवर्ड प्रिंसिपल्स के साथ खेलती है, और ये देखते हैं कि स्पेन ने इस यूरो में क्या टैक्टिकल प्रिंसिपल्स यूज किए। इन 4-3-3 फॉर्मेशन रोड्री दो सेंटर बैक के आगे सिंगल पिवट में खेलता है विद वाइड फुल बैक्स, और दो सेंटर मिड स्लाइटली आगे रहते हैं। सेंटर फॉरवर्ड मोराटा और दोनों विंगर वाइड रहते हैं, बट निको विलियम्स एज ए फॉल्स नाइन भी खेल सकता है। बिल्डअप में रोड्री इज की फॉर प्रोग्रेशन। रोड्री पिवट पोजीशन पर रहकर इजीली आगे फॉरवर्ड पास फाइंड करता है और स्पेन अपोनेंट की फर्स्ट प्रेसिंग को ब्रेक कर देती है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टीम्स हाई प्रेसिंग नहीं करती है, इंस्टेड वे मिड ब्लॉक में रहकर प्रेस करती है। एंड नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स फॉर स्पेन। स्पेन के पास दो ऐसे विंगर्स हैं, निको विलियम्स एंड लामिन यामाल, जो 1v1 में डेडली हैं, अपोनेंट को बीट कर बॉल फाइनल थर्ड में ले जाते हैं, और बॉक्स के राउंड भी ये विंगर्स रियल थ्रेट हैं। तो इससे स्पेन के पास दोनों फ्लैंक अवेलेबल हैं टू अटैक ऑल द टाइम। इमेजिन करिए कि एक ऐसी टीम है जिसके पास कोई डिसीजिव विंगर नहीं है, तो टीम को बॉल आगे ले जाने के लिए सेंटर को यूज करना होगा और टीम सेंट्रल एरिया से ही अटैक करेगी। अब अगर अपोनेंट सेंटर को प्रोटेक्ट करेंगे तो टीम को अटैक करने में डिफिकल्टीज होंगी, और अपोनेंट के प्रॉपरली डिफेंड करने से टीम अटैक में चांसेस क्रिएट नहीं कर पाएगी। नाउ इमेजिन ए टीम विद वन डिसीजिव विंगर, जो कि मोस्ट फेवरेबल केस है। फॉर एग्जाम्पल, विजक वार ऑस्ट्रेलिया इन जॉर्जिया, जेरेमी टोको इन बेल्जियम, राफेल लियाओ इन पोर्टुगल। अब इस केस में टीम उसी फ्लैंक से अटैक करना प्रेफर करेगी जिस पर उनका मेन विंगर खेलता है। टीम बिल्डअप से बॉल प्रोग्रेस कर विंगर को पास करेगी और विंगर ड्रिबल कर अपोनेंट बॉक्स को अप्रोच करेगा टू क्रिएट गोल स्कोरिंग चांसेस। फाइनल थर्ड में विंगर बॉक्स के अराउंड बॉल रिसीव कर चांसेस क्रिएट करेगा टू गेट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। अगर अपोनेंट्स उस विंगर की टाइट मार्किंग करें या उस फ्लैंक पर एक्स्ट्रा प्लेयर डिफेंडिंग करें, तो उस विंगर को एक लिमिट तक रोका जा सकता है और टीम के अटैक को ब्रेकआउट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेल्जियम वर्सेज फ्रांस मैच में बेल्जियम विंगर जेरेमी टोको फ्रांस के लिए बिग थ्रेट था, एंड ऑल्दो कुंडे भी 1v1 में स्ट्रगल करता है एज वी सो हिम अगेंस्ट डी मारिया इन वर्ल्ड कप, तो टोको को रोकने के लिए ग्रीज़मैन ड्रॉप कर कुंडे को सपोर्ट करता है। जब टोको फ्लैंक पर बॉल रिसीव करता है तो ग्रीज़मैन ड्रॉप करता है टू डिफेंड, और एक सेंटर मिड मोस्टली कांते भी वाइड जाकर कुंडे के साथ टोको को डिफेंड करता है। इससे टोको अंडरलोड हो जाता है इन 1v2 और 1v3 सिचुएशन, जिससे उसका प्ले लिमिटेड हो जाता है और बेल्जियम का अटैक ब्रेक हो जाता है। इन कंपैरिजन, बेल्जियम का राइट फ्लैंक इतना डेंजरस नहीं था बिकॉज ऑफ लेस इफेक्टिव विंगर, और इससे फ्रांस इजीली एक विंगर को स्टॉप कर मैच को डोमिनेट करते हैं। नाउ इमेजिन ए टीम विद बोथ डेडली विंगर्स, दैट इज स्पेन। स्पेन के पास दोनों ऐसे विंगर हैं जो 1v1 में डोमिनेंट हैं, और किसी भी टीम के लिए दोनों विंगर्स को डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट है। स्पेन मिड ब्लॉक में एक साइड ओवरलोड करती है, इससे बॉल प्रोग्रेशन रोकने के लिए अपोनेंट्स को एक साइड शिफ्ट होना पड़ता है। एंड ऑल्दो स्पेन प्लेयर्स टाइट स्पेसेस में भी कंफर्टेबल हैं, अपोनेंट्स के एक साइड शिफ्ट होने से दूसरे फ्लैंक पर स्पेस बन जाता है, और फ्लैंक चेंज करने पर विंगर बॉल रिसीव कर अटैक करता है, क्योंकि अपोनेंट टीम इतनी जल्दी सफल कर स्पेस को कवर नहीं कर सकती है और स्पेन अटैक में चांसेस क्रिएट करती है। बट अगर अपोनेंट्स एक साइड शिफ्ट नहीं करती हैं, तो स्पेन ओवरलोड एरिया में कंबाइन करके अटैक करती है। दोनों फ्लैंक पर डिसीजिव विंगर्स तो फ्रांस के पास भी हैं, बट फ्रांस पूरे टूर्नामेंट में केवल एक ओपन प्ले गोल करती है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मिडफील्ड रोटेशंस। फ्रांस मिडफील्ड रोटेशन में इफेक्टिव नहीं थी। विंगर के पास बॉल होने पर फ्रांस प्लेयर्स ऑफ द बॉल मूवमेंट और वाइड जाकर उन्हें स्पॉट नहीं करते थे, तो विंगर्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। बट इन स्पेन मिडफील्डर्स कॉन्स्टेंटली वाइड जाकर विंगर को स्पॉट करते थे टू प्रोवाइड डिफरेंट पासिंग ऑप्शंस। स्पेन मिडफील्डर्स बिटवीन द लाइंस बॉल रिसीव करके भी अटैक करते थे, जिससे अपोनेंट्स को सेंटर से भी कंटिन्यूस थ्रेट रहता था।
फाइनल थर्ड में विंगर के पास बॉल होने पर प्लेयर्स की ऑफ द बॉल मूवमेंट्स का स्पेन की इफेक्टिवनेस में की रोल था। विंगर के पास बॉल होने पर फुलबैक्स का ओवरलैप करना, मिडफील्डर्स का बॉक्स में थ्रू बॉल्स पर लेट रन और फार पोस्ट पर क्रॉसिंग में चांसेस को कन्वर्ट कर स्पेन गेम में डोमिनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, यमाल बॉल रिसीव कर अपोनेंट बॉक्स को अप्रोच करता है और यहाँ यमाल बॉल होल्ड कर डैनी ओल्मो के लेट रन को ट्रैक करके बॉक्स में थ्रू पास करता है एंड डैनी ओल्मो फिनिश इट इन बैक ऑफ द नेट। इन सब अटैकिंग मूव्स के कारण स्पेन को रोकना इम्पॉसिबल था। दोनों फ्लैंक से अटैक करना, अगर अपोनेंट्स फ्लैंक को कवर करते हैं तो मिडफील्डर्स का बिटवीन द लाइंस बॉल रिसीव कर अटैक करना स्पेन की अटैकिंग स्ट्रेंथ को दिखाता है। टीम का मैच जीतना डिफेंडिंग पर भी डिपेंड करता है, बट अगर डिफेंस में बॉल विन करने पर टीम के पास अटैक करने के लिए सेवरल आउटलेट ऑप्शन हो और टीम गेम के पेस को कंट्रोल कर सके तो डिफेंस पर से भी प्रेशर कम हो जाता है और डिफेंडिंग में भी टीम बेटर परफॉर्म करती है। ऑल्दो डिफेंस ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुकुरेला विद सॉलिड परफॉर्मेंस इन दिस यूरो विद सेंटर बैक पेयर ऑफ नेचुरल एंड लेपोर्ट और करवाहाल ने भी बोथ अटैकिंग एंड डिफेंडिंग में सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। तो आप क्या सोचते हैं स्पेन के इस कैंपेन के बारे में, कमेंट बिलो, लीव लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।